हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरन, जो कंपोज की गई है जेम्स किरकप के द्वारा। जेम्स किरकप के बारे में हम थोड़ा सा जानें। ये इंग्लिश पोएट हैं, ट्रांसलेटर हैं और ट्रेवल राइटर हैं। ट्रेवल राइटर का मतलब जिन्होंने यात्राएं की होती हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, ये उनको हम ट्रेवल राइटर बोलते हैं। जेम्स फाल्कन किरकप, इनका जन्म, इनका जो बर्थ है वो 23 अप्रैल 1918 में है और इनकी डेथ 10 मई 2009 में हुई थी। अपने ट्रेवल्स के दौरान उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को विज़िट किया था और उन सब के एक्सपीरियंस को उन्होंने एक पोएम के फॉर्म्स में और अपने ट्रेवलॉग्स के फॉर्म में उन्होंने रीडर्स के सामने रखा है। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 30 बुक्स लिखी हैं, जिनमें बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके अलावा रिफ्यूज़ल टू कन्फर्म लास्ट एंड फर्स्ट पोएम्स और ही ड्रीम्ड, ही वॉज अ बटरफ्लाई, बेस्टन बॉय और होम थाट्स जैसी बहुत ही मशहूर पोएम्स हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पोएम के बारे में। पोएम के बारे में हम पढ़ लें, जैसे कि टाइटल से इसके बारे में समझ में आता है कि नो मैन आर फॉरन। फॉरन मीन्स विदेशी या दूसरे लोग जो हमारे देश के नहीं हैं। तो इस पोएम में कंट्री ने वॉर का, एनिमी का जो नोशन है लोगों के द्वारा जो बनाया गया है उसको रिजेक्ट किया है, उसको उन्होंने अपोज किया है। वो कहते हैं कि ये नोशन गलत है, वॉर का नोशन, वॉर की जो सोच है लोगों की वो अलग है, क्योंकि हम लड़ते कब हैं, जब हम दूसरों को दुश्मन मानते हैं। दुश्मन क्यों मानते हैं कि क्योंकि हमने अपने लैंड को डिवाइड कर लिया है रीजन में, अपने एक एरिया में अपने आप को लिमिटेड कर दिया है, इसलिए हमें दूसरे रीजन के, दूसरे लैंड के, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को हम दुश्मन मानते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने इस पोएम में बहुत सारी चीज़ें रीडर्स के सामने रखी हैं और क्वेश्चन पुटअप किया है वॉर पर और एनिमीज के कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को लाइन टू लाइन। तो पहली लाइन में हम देखें, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन स्ट्रेंज का क्या मतलब है? स्ट्रेंज का मतलब हमारे लिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से लेके सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको हम एक ह्यूमन के तौर पर, एक मैन के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उन सबके पास वही फ्लैश है, वही स्किन है, वही जो बॉडी पार्ट्स हैं, वही सब आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, इसलिए हम किसी भी इंसान को उसके बॉडी पार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो हमारी ही रेस का, हमारी ही क्लास का हिस्सा है, इसको हम कंफर्म कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जितनी भी हम यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, यानी कि सोल्जर्स यूनिफॉर्म अपने अपने कलर की, अपने अपने कंट्रीज़ की पहनते हैं, जिससे कि वो उसको, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपनी नेशनलिटीज़ के डिफरेंस होने के बावजूद भी उनके अंदर सेम जान, सेम सांसें धड़कते हैं, सेम उनके फीलिंग्स होती हैं जो सभी की एक जैसी होती हैं। इसलिए इंसानियत के थ्रेड से, ह्यूमैनिटी के जो थ्रेड है उससे हम सब बंधे हुए हैं। हम एक, हमारी सिंगल बॉडी में, चाहे हमारी आइडेंटिटी कुछ भी हो, हमारे उस यूनिफॉर्म के नीचे एक लाइफ होती है जो सभी जगह सेम है। लाइक आवर्स द लैंड अ ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और हमारे जो ब्रदर्स हैं, यानी कि पोएट ने उन सोल्जर्स को भी, जो एनिमी कंट्रीज़ के सोल्जर्स हैं, उनको भी अपना ब्रदर कहा है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो सार्वभौमिक जो भाईचारा है उसके बारे में कभी बात करते हुए बोलता है कि दे ऑल्सो शेयर द सेम अर्थ ऑन विच वी आर वॉकिंग। वो भी उसी धरती पर घूमते हैं जिस पर हम घूमते, यानी कि उनकी धरती भी हमारे ही जैसी है। इन विच वी ऑल शेल लाई, और इसी धरती में हम सबको मिल जाना है, चले जाना है, चाहे उसके रास्ता कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको अल्टीमेटली इस मिट्टी में मिल जाना है। नेक्स्ट सेंजा में पोएट बात करता है सन की, एयर की, वाटर की और दूसरी नेसेसिटीज़ की, जिसकी जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिसको वो यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कि दूसरे लोग, दूसरे कंट्री के लोग। जैसे लाइन स्टार्ट करते हुए पोएट कहता है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर।
वो भी अवेयर हैं, वो भी जानते हैं, वो उनको भी ज़रूरत है किस चीज़ की, सन की, एयर की, वाटर की। जो सन हमें रोशनी देता है वही सन वहाँ भी उनको रोशनी देता है, उनको सारी नेसेसिटीज़ उनकी पूरी करता है एनवायरनमेंट की। इसके अलावा द एयर एंड वाटर, इसके अलावा हवा भी उसी एनवायरनमेंट की, उसी वायुमंडल की है जिसकी हम सांस लेते हैं, जिसकी हम हवा लेते हैं, और वही सब पानी वो भी पीते हैं जो हम पीते हैं। यानी कि हम सबकी नेसेसिटीज़ को सन, एयर और वाटर यूनिवर्सली ज़रूरत को पूरा करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और इसके साथ साथ हार्वेस्ट यानी कि क्रॉप्स, जो फसलें उगती हैं सारी धरती पर, वो हम सब शेयर करते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड, और वॉर से क्या होता है, लॉन्ग विंटर स्टाफ, जब जंग बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो उसकी लंबी सर्दी में वो सब भूखे मरते हैं। उनके हाथ हमारे जैसे हैं और उनके हाथों की लकीरों को अगर हम पढ़ेंगे तो वो मेहनत करने से बनी है जैसे हमारे हाथों पर बनी है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। उनके हाथ भी सेम हमारे हाथों जैसे हैं, उनके हाथों की लकीरें उनकी मेहनत से ऐसे ही खींची हुई हैं जैसे हमारे हाथों में हमारे मेहनत करने से बन जाती हैं। तो पोएट इस स्टैंजा में बात करता है धूप की, हवा की और पानी की, जिससे हम सब परिचित हैं, जिनसे हम सब अवेयर हैं, और उन सब फसलों की जिनको हम शेयर करते हैं, और जंग हमेशा भूख लेकर आती है। नेक्स्ट सेंसा जिसमें पोएट बात कर रहा है हमारी बॉडी पार्ट्स की और सारी चीज़ों की, जिन फीलिंग्स की जिनको हम एक जैसा शेयर करते हैं। रिमेंबर दैट दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट वी वन। कैसे याद रखो कि उनके पास भी वही आंखें हैं जिनसे हम सुबह को जागते हैं, उन पे भी वही आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और उनकी आंखों में भी वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है जो प्यार से दूसरों को जीतने की हमारे अंदर होती है। तो अगर हम उनकी आंखों में डालकर बात करें, उनसे बातचीत करें, तो हम डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर लैंड में, हर ज्योग्राफिकल जितने भी रीजन्स हैं उन सब में अगर हम जाकर देखें तो लाइफ बिल्कुल लगभग हमारे जैसी है। बेशक वहाँ पर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइफ एटलीस्ट मौजूद है दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। उस जिंदगी को सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस को भी हम सब समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पोएम का लास्ट स्टैंजा जिसमें पोएट कहते हैं, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोज़ We trade, condemn, remember we who take arms against each other। तो इसलिए आओ याद रखें, जब कभी भी हम अपने भाइयों से हमसे नफरत करने के लिए कहा जाए तो हम खुद अपने आप अपने भाइयों को उन चीज़ों से दूर कर रहे हैं जो हम दूसरों के साथ करते हैं। मीन्स अगर हम दूसरों के साथ ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए हम सारी इंसानियत के साथ अपने भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनके साथ बीट्रे कर रहे हैं, उनको उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं। खुद अपना तिरस्कार, अपना अपमान, अपनी बेइज्जती, अपनी इंसल्ट हम कर रहे हैं क्योंकि वो भी अल्टीमेटली हमारे भाई हैं। और लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये हम खुद हैं जो अपनी धरती के खिलाफ खुद हथियार उठा रहे हैं, क्योंकि our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। और हम क्या कर रहे हैं, पूरी इंसानियत जो है इस धरती को गंदा करने पर तुली हुई है। हम अपनी हवा को, हम अपने पानी को, हम अपने एटमॉस्फेयर को गंदा करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि जब जंग की जो फायर है जब वो उठती है तो सब तरफ पॉल्यूशन किसका, इंसानियत के खात्मे का जो पॉल्यूशन है वो चारों तरफ फैला देते हैं। और क्या होता है, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इसलिए याद रखो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है,
कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है। इसलिए पोएट लास्ट में भी हमें याद रखने के लिए कहता है कि हम सब अगर अपने दुश्मनों को यानी कि दूसरों के लिए अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो हम उनके लिए नहीं बल्कि खुद अपने भाइयों के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर कोई आपको पोएम आपको पसंद आती है तो आप इस पोएम को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। अगली पोएम तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड बाय।